ये यशोदा मैया रई लगा के माखन चलाने वाली जगह है। इस पिलर से बांधती और इस पिलर से यानी कि इस पिलर से बांधती थी तो आज भी ये आप दो आकृतियां देख रहे हैं और दो घंटियां देख रहे हैं, ये पहले सोने की होती थी और साकर होती थी चांदी की, घंटियां थी, ये सब बस्ती थी, सब कुछ ऊपर से सब कुछ ले गया। ये जो जगह भगवान का सवामन सोने का प्राचीन जगह है, जो सवामन सोने का पालना था, जो भगवान यहीं से मैया रई लगा के डोर लगाती, लाला को झुलाती और रई लगा के माखन चलाती, यानी कि दोनों काम एक साथ। हाँ, दोनों काम एक साथ होते थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे लाइट नहीं होती तो चारों साइड यशोदा मैया घी के दीपक जलाती, जहाँ सब हीरा रत्न लगे हुए थे तो वो दीपक की रोशनी का उजाला होता था, उसी से प्रकाश होता था तो लाला को यहाँ प्रकाश आता था। आज इस स्थान पर मैं आया हूँ दर्शन कराने के लिए आपको। यहाँ भगवान अपने घुटनों से चले हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कितना प्राचीन, कितना महत्व है इस स्थान का। ये बलदाऊ जी का पालने झूले का स्थान, ये बलदाऊ जी का। हाँ, ये कृष्ण भगवान का, ये बलदाऊ। एक बार गुरु, दस बार गुरु, हजार बार गुरु, कितनी बार गुरु। कभी किसी ने प्रयास किया इनको प्रयोग करने का? आप भी प्रयास कर सकते हो। अच्छा, जब कृष्ण बलराम 6 दिन के हुए तो यहाँ छठी पूजी, ये स्थान छठी पूजन का है। ये भगवान के टाइम के 5,500 वर्ष पुराने और आगे का ये सब कुछ नया है। ये जो हम देख रहे हैं सब कुछ ये सब नया है, यही प्राचीन है, ये छत और ये पिलर। भगवान मिश्री खाते थे, हाथ नहीं धोते थे, पोंछ देते थे, तो आज भी अंदर के खम्भे सारे चिकने नजर आते हैं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, जो इनका दूध होता था यहाँ उठाया जाता, ये छत और ये पिलर आज भी काले नजर आते हैं, आज भी काले हैं। यही प्राचीन है, यही धरोहर प्राचीन बची है, सब कुछ नया है। तो यहाँ 2 कदम घुटना घुटना चलना होता है और अंदर जाके बोलना होता है पापा पहिया और चले कृष्ण कन्हो। जैसे भगवान यहाँ चले हैं ऐसे ही हमारे घर आंगन में नाती पोते के रूप में चले। इस रास्ते को बोलते हैं वासुदेव चोर रास्ता। ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, इसी रास्ते से कृष्ण के पिताजी वासुदेव कृष्ण को टोकरी में धर के यमुना के रास्ते इसी रास्ते से लेके आए। ये सामने आप देखोगे कल्प वृक्ष पारस पीपल, 4 चीज भगवान के टाइम का है जो आज भी प्रत्यक्ष है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से जाने लगे तो ये पेड़ रोने लगा कि प्रभु मैं अब भक्ति किसकी करूँगा, तो भगवान ने इसको वरदान दिया फलों और फूलों। और इसी प्रकार 84 कोस की परिक्रमा अगर कोई नहीं कर पाता है तो कहा जाता है 84 खंभों की परिक्रमा करने का उतना ही लाभ मिलता है जितना आपको 84 कोस की परिक्रमा करने का मिलता है। देखो ये है पुरानी गोकुल का मुख्य मार्ग, जहाँ पे आप आते हैं तो आपको 84 खंभे के दर्शन होते हैं। यहाँ से अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो आप चले जाएंगे यहाँ से चिंताहरण के लिए, चिंताहरण महादेव। और लेकिन उसी मार्ग पे ये है 84 खंभे जिसका मुख्य द्वार है ये द्वार, और ये ही है प्रवेश द्वार। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक मुख्य गेट पे ही यहाँ पे एक वृक्ष मौजूद है, उस वृक्ष के मैंने भी दर्शन किए हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, इस वृक्ष की बनावट देखो, इसकी जितनी लताएं हैं ये देखो आप, ये आपस में ही इसमें लगी हुई हैं जैसे कि पेड़ पे बंधी हुई हो। आप ये देखो ऐसा वृक्ष लिटरली मैं कहूँगा मैंने अब तक नहीं देखा, ये पहला वृक्ष है जिसके मैं दर्शन कर रहा हूँ, इसके आप दर्शन करो। और ये मुख्य द्वार पे ही मौजूद है पुरानी गोकुल के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ गोकुल में। गोकुल में मैं हूँ इस टाइम पर नंद बाबा के पुराने घर में, यानी कि नंद बाबा का सबसे पहला घर जो कि गोकुल में मौजूद है। यहाँ पे आज हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, यहाँ की जो कथा है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आज हमारे साथ है यहाँ पे तीर्थ पुरोहित रवि पाराशर जी, उनसे जानेंगे यहाँ की कथा के बारे में, वो आपको आनंद में बताएंगे जो भी कथा है यहाँ की पूर्णतया, और आगे के दर्शन हम आपको आगे कराएंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ मुख्य द्वार पर,
ये आप देखेंगे, ये है मुख्य द्वार नंद बाबा के, वही उस पुराने घर का जो यहाँ पे मौजूद है। इसको 84 खंभे भी कहा जाता है गोकुल के। यहाँ पे एक गौशाला है, उस गौशाला के बारे में जानते हैं और आगे फिर हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराएंगे। राधे राधे, इस गौशाला के बारे में बताइएगा आप हमें। राधे राधे, ये नंद बाबा की प्राचीन गौशाला है। इसको बोलते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, जिसका कर्म भाग्य फूटे वो दूसरे गांव को जाए। मथुरा में आज भी चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी मथुरा में ही करते हैं, अन्य किसी प्रांत में नहीं करते हैं। और गोकुल की गाय को बिक्री नहीं करते, कसाई को नहीं देते काटने के लिए। जो दूध देती है अथवा नहीं देती है, असहाय गाय होती हैं वो नंद बाबा की ट्रस्ट गौशाला में रहती हैं। ऐसी गौशाला आज भी 7 हैं जो कि हजारों गाय आज भी वास करती हैं। नंद बाबा के टाइम पे 9 लाख गाय थी, आज भी हजारों गाय वास करती हैं। इस गांव का नाम पड़ गया गोकुल, गायों का कुल गोकुल। इस रास्ते को बोलते हैं वासुदेव चोर रास्ता। ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, इसी रास्ते से कृष्ण के पिताजी वासुदेव कृष्ण को टोकरी में धर के यमुना के रास्ते इसी रास्ते से लेके आए। इस द्वार को बोलते हैं वासुदेव द्वार। इसी रास्ते से होते हुए ऊपर नंद बाबा के घर में लेके गए, या नंद भवन 84 खम्भा है, 84 पिलर हैं। काउंट करोगे कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। मन में हृदय में भगवान से आस्था भाव होती है, मनोकामना के जरिए है, झूला झुलाने में मांगते हैं, जभी पूर्ण होती है। यहाँ के राजा हैं कृष्ण के बड़े भाई, द एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बलराम, जो त्रेता युग में लक्ष्मण, शेषनाग अवतारी, और कृष्ण युग में द्वापर युग में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी। जो बलदाऊ जी का जन्म स्थान यही है जो नंद बाबा का घर है। स्वरूप से कृष्ण के पिता वासुदेव कृष्ण को यमुना के रास्ते टोकरी में धर के लेके आए। ये सामने आप देखोगे कल्प वृक्ष पारस पीपल, 4 चीज भगवान के टाइम का है जो आज भी प्रत्यक्ष है। पहला गोवर्धन पर्वत जो भगवान के टाइम पे भी था और अब भी है। दूसरा इस रास्ते के सामने यमुना नदी जो भगवान के टाइम पे भी थी और अब भी। तीसरा ये कल्प वृक्ष पारस पीपल, इसमें आज भी 5 तरह का फूल और 1 तरह का फल इस पे कार्तिक मास में आता है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से जाने लगे तो ये पेड़ रोने लगा कि प्रभु मैं अब भक्ति किसकी करूँगा, तो भगवान ने इसको वरदान दिया फलों और फूलों। तो इसमें 5 तरह का फूल, 5 कलर का फूल आज भी आता है और 1 कलर का फल इसमें आज भी आता है जो कार्तिक मास में आता है, दीपावली का जब टाइम आता है, जब 5 कलर का फूल और 1 तरह का फल इस पे आता है। बोलो ना। नंद के घर भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। तो यहाँ शंकर भगवान ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या करके तत्पश्चात भगवान कृष्ण के परछाई के रूप में दर्शन किए हैं। ये शंकर भगवान नंदेश्वर महादेव। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको अंदर मंदिर में दर्शन कराएंगे, जो पुरानी गोकुल है, जिसको पुराना घर कहा जाता है नंद बाबा का, मैं आया हूँ अब उसी स्थान पे, जो मुख्य स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुख्य द्वार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो द्वार है, यहीं से एंट्रेंस है, यहीं से प्रवेश है उस 84 खंभे के दर्शनों के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण 7 साल 52 दिन रहे थे, यानी कि 7 ईयर 52 डेज यहाँ पे वो रहे थे। तो अंदर आपको लेके चलता हूँ और दर्शन करते हैं, और जिसका आनंद मैं आपको सीरियसली बताऊँ, क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा थी बहुत कि नंद महल और नंद भवन के दर्शन गोकुल में भी है, क्योंकि हमने आपको दर्शन कराए हैं सिर्फ नंद गांव में नंद महल के। तो पर्सनली मुझे लगा कि नंद महल ही जो मुख्य स्थान है वो नंद महल ही है जो भगवान का घर है।
लेकिन जब मुझे पता चला कि नंद महल गोकुल में भी है, जो कि पुरानी गोकुल जिसको कहा जाता है, तो आज मैं वहीं पर आप सभी को लेके चल रहा हूँ और स्वयं भी दर्शन करूँगा और आप सभी को दर्शन भी कराऊंगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। देखिए, जो आप ये दर्शन कर रहे हैं इस प्रांगण के, ये बताया जाता है कि ये बाद में नवनिर्माण हुआ, ये बाद में बना है, लेकिन जो मेन दर्शन है वो है अंदर के दर्शन, जो अभी हम आप सभी को यहाँ पे दर्शन भी कराएंगे और यहाँ से लेके भी चलेंगे अंदर। और मुख्य जो गेट है वो है ये, बाकी अंदर जो एक दूसरा जो गेट है वो है वो भी एक पीछे का द्वार है, जहाँ से आप अंदर उन चार खंभों के दर्शन कर सकते हैं जो चार युग के उसमें चिन्ह दर्शाए गए हैं, जैसे कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। उन चारों युगों के यहाँ पे चार पिलर बताए जाते हैं, जिसके दर्शन इसी द्वार से होते हैं जो आप मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे हैं। और जो मुख्य जो दर्शन है वो है हमारे इस तरफ में। जिस भूमि पे आप लोग हम लोग बैठे हैं, इस भूमि को बोलते हैं शंकर तपोभूमि, क्योंकि शंकर भगवान 3 दिन 3 रात्रि यहाँ तपस्या किए हैं। ये कलयुग समय किसी के पास इतना समय नहीं कि 3 दिन 3 रात यहाँ तपस्या कर सके। जितनी भी देर हम यहाँ बैठेंगे, शंकर जैसी तपस्या का हमको फल मिलेगा। जैसे शंकर भगवान यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए, तो 33 कोटि दही देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आए। जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो बधाई देने के लिए रिश्तेदार आते हैं घर पर, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए 33 कोटि दही देवता यानी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आए। माता यशोदा ने सबको दर्शन दिया, लेकिन शंकर भगवान को दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शंकर भगवान का जो रूप था वो डरावना था। कहते हैं, देखो री एक बाला योगी और द्वार हमारे आया है, और अंग भभूत बगल मृग छाला और शेष नागल पाया। भगवान का जो रूप है उसको देख के मैया डर जाती हैं। कहती हैं, कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है जो योगी के रूप में आया है, मैं तुझे योगी दर्शन नहीं दूँ। तो शंकर भगवान से बोलने लगी हैं कि योगी तू भिक्षा ले ले और तू यहाँ से चला जा। कि ले भिक्षा निकली नंदरानी और मुतियन थाल सजायो है, और ले ले योगी तू अपनी भिक्षा, तूने मेरा सोतो गोपाल जगायो है। मैया कहती हैं कि योगी तुझे हीरा जवारा सोना चांदी जो तुझे चाहिए वो तू यहाँ से ले जा और तू यहाँ से चला जा। शंकर भगवान कहने लगे कि मैया, ना चाहिए तेरे हीरा मोती और ना चाहिए धन माया है, अपने लाला के तू मैया दर्शन करा दे। कैलाश को छोड़ के ये योगी तेरे द्वार पे आया है। कि मैया, मैं तो कैलाश का वासी हूँ, कैलाश को छोड़ के मैं तेरे द्वार पे आया हूँ, मैं तो लाला के दर्शन करने ही आया हूँ। मुझे हीरे जवाहरात पन्ना मोती नहीं चाहिए, मुझे तो लाला के दर्शन करने की अभिलाषा है और दर्शन करके ही जाऊँगा, अन्यथा यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ हट करके 3 दिन 3 रात्रि तपस्या की है। तो जो कृष्णा पालने में झूला झूल रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि तीनों लोगों के नाथ शंकर भगवान मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, पर यशोदा मैया दर्शन नहीं दे रही हैं। कहने लगते हैं, मचल गयो मेरो बाल गोविंदा और खेलन को मांगे चंदा। कहने लगे कि मैया, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब चंद्र खिलौना मैया कहाँ से लाएं? चंद्र खिलौना दो ही जगह स्थित है, पहला आकाश में और दूसरा शंकर भगवान के मस्तक पे जटाओं में। तो शंकर भगवान से अब मैया कैसे गए कि चंद्रदेव उनके मस्तक पर विराजमान है। एक सखी होती है जिसका नाम है चंद्रावल, जो यशोदा मैया की सखी है, वो बोलने लगी है कि मैया हट छोड़ दो, चंद्रमा दो ही जगह स्थित है, पहला आसमान में जो कि दिन में चंद्रमा दिखता नहीं, आप हट छोड़ दो, और इस योगी के मस्तक पर चंद्रमा है, अगर आप चाहो तो इस योगी को बोल दे तो लाला की हट भी बंद हो जाएगी और ये योगी भी चला जाएगा। तो यशोदा मैया कहती हैं, इसके 3 नेत्र हैं, इसको देख के मुझे डर लगता है, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। तो यशोदा मैया सोने की थाली में यमुना जल भर के कृष्ण कन्हैया को पालने से उठा के आंचल में छुपाती हैं, और परछाई के रूप में भगवान शंकर से बोलती हैं, आप परछाई के रूप में यमुना जल में आप परछाएं डालिए। तो परछाई के रूप में कृष्ण भगवान ने चंद्रदेव के दर्शन किए और भगवान कृष्ण के भगवान शंकर ने परछाई के रूप में दर्शन किए। इस प्रकार से यशोदा मैया ने शंकर भगवान को दर्शन कराया है, तो इस भूमि का नाम हो गया है शंकर तपोभूमि। तो यानी कि साक्षात दर्शन नहीं कराए, साक्षात दर्शन इस प्रकार से दर्शन हुए तो सामने आप देखो। तो ये जो भूमि है ये शंकर तपोभूमि, यहाँ भगवान 7 साल बामंदिर रहे, तो यहाँ 3 मर्यादा है। मंदिर में चलेंगे
तो दो कदम घुटना घुटना चलना है। 60 साल का बुड्ढा और 6 महीने का बालक समान है, तो यहाँ घुटना घुटना चलते हैं और मुख से बोलते हैं पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया। जैसे भगवान यहाँ चले हैं ऐसे ही हमारे घर आंगन में नाती पोते के रूप में चले और खड़े होकर दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सभी जगह तो बड़े कृष्ण है, खड़े होकर दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान घुटना घुटना चले हैं, बाल रूप है, तो यहाँ भगवान हम खड़े होकर दर्शन करते हैं तो हमारी परछाई भगवान पे पड़ती है तो दोष अपराध लगता है। इस प्रकार से हम यहाँ खड़े होकर दर्शन नहीं करते हैं क्योंकि बाल रूप है। सभी जगह आप जाएंगे दूर से दर्शन करेंगे, यहाँ अपने हाथों से भगवान को चरण छुएंगे, झूला झुलाते हैं, क्योंकि गोकुल में आते हैं दो ही मातम है, कहते हैं मथुरा लिया अवतार और गोकुल झूले पालना और जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार। जहाँ भक्त होते हैं वह स्वयं नारायण वास करते हैं, तो गोकुल में आने का प्रथम भगवान को पालना झूला झुलाना है, दूसरा गोकुल गायों का कुल तो गौदान का फल लेना है। यही दो महत्व हैं गोकुल में आने के, क्योंकि यहाँ भगवान ने सबको हंसाया है, नंद बाबा यशोदा मैया को हंसाया है, तो यहाँ हंसने का माध्यम है। आप बिहार जाएंगे तो बिहार में पिंडदान करते हैं, गया जी जाते हैं तो पिंडदान करते हैं, वहाँ रोना पड़ता है अपने पूर्वजों के लिए। यहाँ भगवान ने कृष्ण कन्हैया ने अपने माता पिता को हंसाया है तो यहाँ हंसना पड़ता है। औरंगजेब नामक मुसलमान था जिसने पूरे भारतवर्ष के सनातनी मंदिर को ध्वस्त किया, तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया, ऐसे ही गोकुल में भी आया। ये सारे आप जो पिलर देख रहे हो सब खंडित है, टूटा हुआ है, यहाँ भगवान की आकृतियाँ थी सबको खंडित किया, अब जो भी है ये अब शेष है। यहाँ भगवान के जो प्राचीन तत्व थे सबको तोड़ दिया, खंडित कर दिया, यहाँ से जो हीरा जवाहरात था सब कुछ ले गए। भगवान का 125 सोने का पालना था, जो मैं आपको जगह दिखाऊंगा प्राचीन जगह, जो भगवान का आज भी 125 सोने का जो पालना टंगता था, वो जगह तो है लेकिन पालना नहीं है, क्योंकि भगवान के जितने भी खनिज पदार्थ थे सब कुछ यहाँ से ले। तो उसने पिलर को काट के भी देखा कि इसमें कुछ हीरा जवाहरात है तो नहीं, वो मैं आपको अंदर जाके दिखलाऊंगा। तो उसने पिलर काट के देखा, उसमें आज भी कटा हुआ शेष पिलर आज भी मौजूद है। देखिए वो लास्ट वाला खम्भा जो नज़र आ रहा है कॉर्नर में, वहाँ से लेके और वो लास्ट वाला खम्भा, जितने भी पिलर हैं सब 84 हैं। काउंट करोगे कम हो जाए ज़्यादा हो जाए लेकिन 84 नहीं बैठेंगे, 84 नहीं बैठेंगे। एक बार गिनो, 10 बार गिनो, 1000 बार गिनो, इनका क्या रीज़न है? यही चमत्कार है और इस चमत्कार का ही नमस्कार है, क्योंकि भगवान के माता पिता बूढ़े थे, वृद्ध थे, ब्रज कोष 84 की यात्रा नहीं कर पाते थे, इसलिए भगवान ने गोकुल में सुख किया और ब्रज कोष 84 खम्भे का निर्माण करा दिया। जो व्यक्ति ब्रज कोष 84 की यात्रा नहीं कर पाता है किसी कारणवश, पैसे के अभाव से, शरीर के अभाव से, जिसमें 40 दिन की अवधि लगती है, हर एक मनुष्य नहीं कर पाता है, इसीलिए भगवान ने गोकुल में सुख किया और ये 84 खम्भे का निर्माण कराया, जिसमें से 80 खम्भे विश्वकर्मा देवता लगाया है और 4 खम्भे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने लगाए हैं, जो चारों युगों के हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 3 युगों में भगवान के अवतार हैं। तो 3 पिलरों पे आज भी भगवान के चिन्ह मौजूद हैं, चौथे में जिसमें कलयुग है, कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं है, इसलिए वो खम्भा आज भी प्लेन है। वाली छत और ये पिलर, ये भगवान के टाइम के 5,500 वर्ष पुराने और आगे का ये सब कुछ नया है। ये जो हम देख रहे हैं सब कुछ ये सब नया है, यही प्राचीन है, ये छत और ये पिलर। भगवान माखन मिश्री खाते थे, हाथ नहीं धोते थे, पोंछ देते थे, तो आज भी अंदर के खम्भे सारे चिकने नजर आते हैं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, जो इनका दूध होता था यहाँ उठाया जाता, ये छत और ये पिलर आज भी काले नजर आते हैं। यही प्राचीन है, यही धरोहर प्राचीन बची है, सब कुछ नया है। अब जो 4 खम्भे मैं आपको बताता हूँ, चारों युगों के, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो मैं आप, फर्स्ट युग सत्ययुग, सत्ययुग में भगवान शंकर का जन्म हुआ, तो शंकर भगवान का त्रिशूल है, शंकर भगवान का त्रिशूल और समुद्र मंथन की डोर, ये पहला युग सत्ययुग। दूसरा युग त्रेता, त्रेता में श्री राम का जन्म हुआ, श्री राम भगवान
सूर्यवंशी, इसलिए आज भी सूरज का निशान है, द साइन ऑफ सन, द साइन ऑफ सन, ये त्रेता युग का इंडिकेट है। तीसरा युग आया द्वापर, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, श्री कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, इसलिए द साइन ऑफ मून, द साइन ऑफ चंद्रवंशी, ये त्रेता युग का, ये द्वापर का, और ये है कलयुग। कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं, कोई जन्म नहीं, इसलिए ये खम्मा आज भी प्लेन है। ये चार खम्बे, ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल चार खम्बे, चार युगों के, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 84 खम्बे। वैसे एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, बताइए, जैसे तीन युग के खम्बों को खुला छोड़ा गया है, इनको कवर क्यों किया है? कवर इसलिए किया गया है क्योंकि ये कलयुग में जब भगवान का जन्म होगा, अपना भी आकृति बन के आएगी, प्लेन है, इसी को दिखाएंगे कि तीन युगों में तो चिन्ह है, चौथे में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको कवर, कवर क्या है, ये मनोकामना का वस्त्र है, इसको जो भी मनोकामना बांधते हैं, बांध करके वस्त्र को यही लगा देते हैं। ये यशोदा मैया रई लगा के माखन चलाने वाली जगह है, रई लगा के माखन चलाती, इस पिलर से बांधती और इस पिलर से, यानी कि इस पिलर से बांधती थी, तो आज भी ये आप दो आकृतियां देख रहे हैं और जो घंटियां देख रहे हैं, ये पहले सोने की होती थी और साकर होती थी चांदी की, जो औरंगजेब नामक मुसलमान सब कुछ यहाँ से ले गया, ये आकृति आज भी पत्थर में विराजमान है। ये पहले सोने की हुआ होती थी, घंटियां थी, ये सब बस्ती थी, सब कुछ ऊपर से सब कुछ ले गया, ये सब। अच्छा, ये जो जगह, ये भगवान का सवामन सोने का प्राचीन जगह है, जो सवामन सोने का पालना था, जो भगवान यहीं से मैया रई लगा के डोर लगाती, लाला को झुलाती और रई लगा के माखन चलाती, तो यानी कि दोनों काम एक साथ, हाँ दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। भगवान के टाइम पे लाइट नहीं होती, उस टाइम, हाँ उस टाइम पे लाइट नहीं होती, तो चारों साइड यशोदा मैया घी के दीपक जलाती थी, यशोदा मैया दीपक जलाती थी चारों साइड, ये चारों स्तंभों पे, चारों साइड जहाँ सब हीरा रत्न लगे हुए थे, तो वो दीपक की रोशनी का उजाला होता था, उसी से प्रकाश होता था, तो लाला को यहाँ प्रकाश आता था। ये जो औरंगजेब नामक मुसलमान पिलर को तोड़ के काट के देखा, इसमें कुछ अंदर है तो नहीं, हीरा जवाहरात, वैसे तो सब कुछ ले गया, उसने काट के भी देखा, पर इसको कुछ नहीं मिला, जो हम देख रहे हैं आधा कटा हुआ, ये औरंगजेब ने काटा, बिल्कुल ये काट के देखा पर कुछ नहीं मिला इसको शेष। ये आई, ये बलदाऊ जी का पालने झूले का स्थान, ये बलदाऊ जी का, हाँ ये कृष्ण भगवान का, ये बलदाऊ, एक बार गुरु, 10 बार गुरु, 1000 बार, कितनी बार गिनी, काउंट नहीं, कहते हैं 84 योनि डूब गए और मनुष्य देही पाई, और अब चेते तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 आए, 84 लाख बार हम मरते हैं, 84 लाख बार हमको जन्म मिलता है, इसीलिए ये 84 खम्भे का निर्माण कराया, जो व्यक्ति 84 लाख योनियों को काट नहीं पाता, उसकी परिक्रमा लगाने मात्र से ब्रज को 84 का फल को मिलता है, और 84 लाख योनियों को काटने वाले ये 84 खम्भे हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी किसी ने प्रयास किया है इनको काउंट करने का? आप भी प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन अनकाउंटेबल। तो इनका जो प्रारंभ आपने बताया, मेन द्वार यहाँ, मतलब यहाँ से होता है, मेन द्वार यहाँ से, यहाँ से निकलेंगे और ये चार खम्भे, और वहाँ से जाकर यहाँ से निकलेंगे, जो हमने लास्ट वाला बताया ना, वहाँ से एग्जिट द्वार है, वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के अंदर आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देखेंगे ये वही 84 खंबे हैं जो बिल्कुल अनकाउंटेबल है, आज भी अगर कोई चाहे तो इनको काउंट कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको इस चीज़ में आस्था है, इसलिए वो आके यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार की अनुभूति हम आपको किस प्रकार बयां करें कि क्या आनंद हमें यहाँ पे आ रहा है।
जब कृष्ण बलराम 6 दिन के हुए तो यहाँ छठी पूजी, ये स्थान छठी पूजन का है। परिक्रमा होते हैं, यहाँ से एंड द्वार है, ये एग्जिट द्वार है, ये एग्जिट है, हाँ वहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट। जैसे कि आपने अभी कथा में सुना कि किस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाएं घटित हुई है, तो यही वो 84 खंबे, यही वो पुरानी गोकुल है जिसके दर्शन आपको आज भी यहाँ पे होते हैं, यानी कि गोकुल में, गोकुल यानी कि मथुरा में। भगवान श्री कृष्ण का ये पहला घर कहलाता है। जब वासुदेव जी मथुरा से भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे तो वो यही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे वासुदेव जी, और कहा जाता है इसी जगह में, इसी स्थान में भगवान 7 साल 52 दिन रहे थे, यानी कि 7 years 52 days यहाँ पे भगवान रहे थे। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जितने पिलर्स आप देख रहे हैं ये अनकाउंटेबल है, कि भगवान जब माखन खाया करते थे तो उनका बाल स्वरूप था, बाल स्वरूप में अगर कोई बालक अगर कुछ भी खाता है तो अपने हाथों को नहीं धोता, वो अपने हाथों को पोछ लेता है, जगह जगह में साफ़ कर लेता है। तो इसी खंभों में भगवान माखन खा के हाथ पोछा करते थे, जिसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं आज भी, माखन की चिकनाहट इसमें महसूस होती है, देख सकते हैं आप इसकी चिकनाहट कितनी है इसमें। ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आपको और ज़्यादा चिकनाहट महसूस होगी। तो ये वो स्थान है जिसके लिए हम आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं आया हूँ, स्पेशली गोकुल में। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ वो स्थान दिखाने के लिए, जहाँ पे 4 युग के 4 खंभे मौजूद हैं, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग और अंत में कलयुग। यही वो खंभा है जो कलयुग का खंभा बताया जाता है, जिसको अभी, जिसे कहते हैं आप देखेंगे वस्त्रों से कवर किया हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलता। चारों खंभों में आपको चिन्हों के दर्शन बताए जाते हैं, जिसमें से चौथे खंभे में कलयुग में अभी कोई ऐसा चिन्ह नहीं बताया जाता जिसकी पहचान आप कर सके कि ये कलयुग का खंभा है। तो यही वो 84 खंभे हैं जो हमने आपको स्पेशली यहाँ पे दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पे आए। ये अनकाउंटेबल इनको कहा जाता है, अगर आप भी आके स्वयं इनको काउंट करेंगे, यानी कि आप खुद आके भी इनको अगर गिनने की कोशिश करेंगे तो आप इनको गिन नहीं पाएंगे, कोई ना कोई नंबर आपसे छूट जाएगा। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए और इनके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करें, यानी कि साक्षात रूप में दर्शन करें। ये देखो इनकी चिकनाहट इनके अंदर आज भी बनी हुई है, यानी कि जो इनके अंदर की चिकनाहट है, जो भगवान ने माखन खाया, जो हाथ पोछे, वो आज भी इसमें बने हुए हैं। इस टाइम पर मैं हूँ उस स्थान पे जहाँ से कहा जाता है 84 खंभों की परिक्रमा चालू होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जो मेन द्वार है वो हमारे बैक साइड से था, आप बैक साइड में देखेंगे वो है, वहाँ से मेन द्वार से एंट्रेंस होती है, उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो दर्शन होते हैं वहाँ से, जैसे आप सामने से भक्त देख रहे हैं ये आ रहे हैं मंदिर के अंदर से दर्शन करते हुए आ रहे हैं, और इसी प्रकार 84 कोस की परिक्रमा अगर कोई नहीं कर पाता है तो कहा जाता है 84 खंभों की परिक्रमा करने का उतना ही लाभ मिलता है जितना आपको 84 कोस की परिक्रमा करने का मिलता है। इस टाइम पर मैं भी एक 84 कोस की जो परिक्रमा है, यानी कि 84 खंभों की जो परिक्रमा है वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दर्शन आपको हो रहे हैं ये है यशोदा मैया और उनका मटका, यानी कि दही बलोना जिसे कहते हैं। आप यहाँ पे हमने आपको जो दर्शन कराए वो आप आगे देखेंगे वीडियो में, हमने आपको यहाँ के भी दर्शन कराए हैं अभी, और इसी प्रकार सब भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। मैं आपको ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऊपर के स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि किस प्रकार ये यहाँ की प्राचीनता है, ये कितना भव्य महल रहा होगा उस टाइम पर। आप ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन खंभों को आप देखेंगे कि इनकी चिकनाहट, और ये अपने आप में ये दर्शाते हैं कि आज भी इसकी आकृति आप देखो कि ये देखते ही पता चल रहा है कि कितना प्राचीन है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे ब्रज में एक ऐसी चीज़ हमने यहाँ पे पाई है, आज भी ब्रज में दर्शन होते हैं वो आपको पुरानी गोकुल में होते हैं, क्योंकि आज भी भगवान कृष्ण का साक्षात रूप में वो महल मौजूद है जिस महल में वो रहे थे। आज इस स्थान पे मैं आया हूँ दर्शन कराने के लिए आपको, ये लिटरली मैं आपको बताऊँगा, ये स्थान बहुत ही प्राचीन है, यहाँ भगवान अपने घुटनों से चले हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितना प्राचीन, कितना महत्व है इस स्थान का, यहाँ भगवान अपने घुटनों से चले हैं इस पूरे महल में।
तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत स्थान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा भविष्य में दर्शन करने ज़रूर आइएगा। पुरानी गोकुल इसको कहा जाता है। गोकुल में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको 84 खंभों में जाना है तो कोई भी आपको ईजिली गाइड कर देगा इस स्थान में आने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम आपको आगे की तरफ। ये है ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह जो कि कलयुग के खंभे में आपको इनपे दर्शन होते हैं। मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको वासुदेव जी के और माता रोहिणी के। तो अंदर यहाँ पे आपको पूरे आनंद में दर्शन होते हैं। चलते हैं एक बार समीप से दर्शन कराता हूँ मैं आपको यहाँ पर। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। यहाँ के दर्शन के बारे में बताइएगा महाराज जी। ये वासुदेव जी हैं, ये रोहिणी माता हैं, बीच में दाऊ जी और रेवती मैया है। ये दाऊ जी के जन्म का स्वरूप का दर्शन है। जन्म के समय दाऊ जी गोरे थे, बाद में कृष्ण का रूप रख के महाराज देखने गए तब से काले हो गए। गोरे दाऊ जी और रेवती मैया, दाऊ जी के हाथ में हल और मूसल लगा हुआ है। ये जन्म के दाऊ जी का स्वरूप का दर्शन है। आगे नंद बाबा का घर देखा, ये वसुदेव जी का घर भगवान कृष्ण। कितने प्राचीन दर्शन है वैसे, इसके बारे में बताइएगा आप हमें। जगह प्राचीन है, भूमि का महात्म है असली तो यहाँ पे जी। भूमि हजारों साल पुरानी है, भगवान को लेके यहीं पे आए थे, यहीं छुपा के गए, यहीं योग माया कन्या का जन्म हुआ, बदल के मथुरा ले गए। यहीं बलराम जी का जन्म हुआ है, यहीं कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर के 7 वर्ष 52 दिन अपने बचपन बिताए हैं। बाल्य लीला की पूतना कासुर बकासुर राक्षसों का मोक्ष किया है। यहीं मक्खन चुराए हैं, यहीं मटकी फोड़ी है, मिट्टी खाया है, विश्व ब्रह्मांड दर्शन कराया है, रमण रेती में लोट लगाया है। और यहाँ पे बीच में ठाकुर जी भगवान। महाराज जी एक बात बताइएगा हमें, जैसे हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे वासुदेव जी के और माता जी के, यहाँ पे दोनों हाथों में देख रहे हैं हम कि उनके आशीर्वाद की आकृति में है, तो क्या अर्थ है इसका? इसलिए आशीर्वाद की आकृति में इसलिए हम आप लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, झूला झुलाते हैं, चरण छीते हैं, तो भगवान सबको आशीर्वाद, नंद बाबा यशोदा मैया वसुदेव रोहिणी जी आशीर्वाद के स्वरूप में अपने हाथ ऐसा किया है। जैसे घर में आप बड़े बूढ़े माता पिता किसी का पैर छीते हो तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार से या माता पिताजी दोनों हाथों से ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए आशीर्वाद की मुद्रा है। आशीर्वाद की मुद्रा जी। बहुत आनंद आया महाराज जी। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम भुवनेश शर्मा। कितना समय हो गया आपको सेवा में? जन्म से यही है। जन्म से ही। बहुत आनंद आया महाराज जी से जान के। राधे राधे महाराज। यहाँ भगवान विश्राम करते थे, यहीं से भगवान गाय चराने जाते थे, कहाँ रमण रही थी। तो ये वृक्ष उतना ही पुराना है या फिर भाव से दर्शन? भाव से दर्शन नहीं है यहाँ गए, इसकी जड़ तो वही प्राचीन है। वृक्ष तो टूट भी गया पर ये वृक्ष वहीं से उत्पन्न है, वहीं से उत्पन्न है, वही जड़ प्राचीन है और आधा सूखा रहता है आधा हरा रहता है। और यहीं से भगवान रमण देती जाते तो भगवान का नाम हुआ गोपाल, गायों को पालते थे इसलिए उनका नाम हुआ गोपाल। वहाँ भगवान रमण करते थे, रमण माने खेलना, रेती माने ब्रज की रज। कहते हैं रमण रेत लेटो नहीं और कियो न यमुना पान, और ए मानुष्य तूने जाना नहीं ब्रज को तत्व महान। जहाँ जो भी प्राणी जाता है, खेलता है, घर बनाता है, चरण बनाता है, उसमें रज में खेलता है तो सारे कष्ट दूर भगवान क्षीण करते हैं, दूर कर देते हैं, वो रज निकल जाती है, सुलझ जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे, जिसे कहते कथा सुन के और आपसे जान के। आप एक बार सभी को नाम अपना दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम है पंडित रवि पाराशर जी। आप यहीं पर बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा आनंद पूर्वक आपने कथा सुनाई। उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो शीघ्र आए दर्शन के लिए, बिल्कुल, और आनंद ले। राधे राधे। राधे राधे। तो ये थे यहाँ के दर्शन जो हमने आपको आज यहाँ पे कराए। ये कहलाता है पुरानी गोकुल, इसको कहा जाता है पुरानी गोकुल। यहाँ पे हमें जो दर्शन हुए, जो हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराए और जो यहाँ पे आपने कथा सुनी, उसका आनंद हम किस प्रकार बयां करें वो आप जिसे कहते हैं स्वयं जब दर्शन करने आएंगे तब आपको उसका आनंद पता चलेगा कि किस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 84 खंभे बताए जाते हैं जिसके दर्शन यहाँ पे होते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण के कहा जाता है जो माखन खाते थे जब भगवान, उसके हाथ जब वो पोंछते थे तो उसकी चिकनाहट आज भी यहाँ पे महसूस होती है, जो आपने यहाँ पे देखा और जिसके दर्शन किए। इस टाइम पर मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ जो यहाँ से बिल्कुल एग्जिट होती है मंदिर की, तो यही वो प्रवेश द्वार है। उसके बाद यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको हार्डली यहाँ से कम 100-200 मीटर आगे जाके मेन द्वार आ जाता है 84 खंभे का, जहाँ से प्रवेश द्वार है।
ये मेन द्वार है। हालांकि आप मेरे पीछे देखेंगे यही एंट्रेंस है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आए। इसको कहा जाता है पुरानी गोकुल, गोकुल में ही ये मौजूद है। यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ से आप मेरे बैक साइड से आप जो रास्ता देख रहे हैं ये आपको लेके जाएगा सीधा रमन रेती के लिए और यहीं से आप चिंताहरण भी जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में ही ये आती है पुरानी गोकुल यानी कि 84 खंभे। उम्मीद करते हैं यहाँ के दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुरानी गोकुल से राधे राधे।